उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों का दाखिल होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को मुरादाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के 6 प्रत्याशियों में से 3 ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसमें शहर विधायक रितेश गुप्ता ने दोबारा से मुरादाबाद शहर से भाजपा के लिए नामांकन कराया, जबकि कोठीवाल डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर के मिश्रा ने मुरादाबाद देहात से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया। इसके अलावा बिलारी विधानसभा से भाजपा नेता परमेश्वर लाल सैनी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान शहर विधायक रितेश गुप्ता और मुरादाबाद देहात के प्रत्याशी के मिश्रा ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। आपने नामांकन पत्र दाखिल किया, कौन सी विधानसभा से हैं और किस पार्टी से? मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुरादाबाद की नगर विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस चुनाव में क्या और प्राथमिकताएं रहेंगी जो पिछले विधायक 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, विकास कार्य नहीं हुआ था। सरकार बनने के बाद सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था पे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। उन्हीं कामों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। एक लहर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में चल रही है। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। विधायक जी, किससे आप मुकाबला मान रहे हैं? किसी से कोई मुकाबला नहीं है, जनता ने निर्णय ले लिया है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव रहेगा। पहली प्राथमिकता मेरे क्षेत्र में एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण, जिसकी वहाँ पर अत्यधिक आवश्यकता है, और दूसरा एक स्टेडियम, आधुनिक स्टेडियम, जहाँ से स्वस्थ भारत का निर्माण होने के लिए मैं युवाओं को, जिनको कि एक आवश्यकता है और जिससे कि वो अपना नाम क्रीड़ा के क्षेत्र में कमा सकें और स्वस्थ होकर स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। सर, किसे मुकाबला मानना है? मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ जीतने के लिए ही मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूँ।